एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर। जेडीयू के बड़े नेता ने इंडिया टीवी से कहा बीजेपी से वैचारिक मतभेद है हमारे, एनडीए से अलग होने की ये वजह भी है। अब देखिए जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, खुद जेडीयू के नेता अब इन दावों को हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा है बीजेपी से वैचारिक मतभेद है हमारे। सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जैसे कि सुबह आप कह भी रहे थे कि सिर्फ अब एक औपचारिक बैठक है, एक दिखावटी बैठक है, सब कुछ तय हो चुका है, कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार की फोन पर बातचीत हो चुकी है, उधर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव से सब कुछ सेट है, सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बिल्कुल, सारा कुछ हो चुका है, सारी बातचीत हो चुकी है, सिर्फ एक औपचारिकता है और जो बैठक अभी होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुहर लगनी है इन बातों पर। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसको लेकर जेडीयू के एक बड़े सोर्स ने मुझे बताया है कि बीजेपी के साथ जो एक वैचारिक मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार कई मुद्दों पर जो बीजेपी की राय आ रही थी वो, उससे नीतीश कुमार काफ़ी परेशान थे और इसको लेकर ये तय हुआ कि अब एनडीए से बाहर निकला जाए। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दे भी हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान का आना, बिहार विधानसभा के स्पीकर की जो कुछ भूमिकाएं रही, तो इन सब बातों को लेकर भी नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन जो अलग अलग मुद्दे आ रहे थे, कई मुद्दों पर जो राय आ रही थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, उसको लेकर जेडीयू एक तरह से कहें तो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही थी। नीतीश कुमार इसको लेकर काफ़ी परेशान थे और इसलिए आरसीपी प्रकरण तो एक टर्निंग पॉइंट है। असली वजह जो है, जो मुख्य वजह है, वो है बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद। नीतीश, आपको रोकना चाह रहे हैं जरा, जेडीयू के कुछ विधायक इस वक्त कह रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पहले लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते थे, इसमें हम, मुझको लगता है कैसा कोई जेडीयू में क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। अब आगे बैठक में जा रहे हैं, फिर आने के बाद जो भी फैसला होगा आप लोग को सम्मान होगा। नीतीश जी हमारे सम्मान नेता, जो फैसला लेंगे हम लोग। एनडीए में है और एनडीए की सरकार है, आज मीटिंग रहेगी कि नहीं? अब देखिए बैठक होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दल के शीर्ष नेता हैं और उनका निर्णय सर्वोपरि है। जो वो निर्णय लेंगे पार्टी हित में, राज्य हित में, वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आगे पीछे संबंधों को लेकर बात होगी आज, बीजेपी के साथ संबंधों पे बात होगी आज अंदर? आज अब क्या एजेंडा रहता है, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। नेतृत्व का और नेता का निर्णय जो होगा वो हम लोगों को मान है। ये है अभी तक है, एनडीए की सरकार चल रहा है, अभी तक तो हम लोग साथ हैं। बातें सामने आई है कि भाजपा आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए अब इस बात पर तो ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते, पहले मीटिंग में जाते हैं जो सभी हमारे एमपी एमएलए और जो विधायक हैं एमएलसी है, सबका जो विचार आएगा, नेतृत्व का जो निर्णय है वो हम लोगों के लिए फिर महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, इतिहास बनने जा रहा है देश बचाने के लिए। अब देखिए विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं उसको तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में, जो निर्णय होगा वो, जो नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान नेता हैं उनका जो निर्णय होगा उसके साथ। वो कह रहे हैं कि आज सरकार गिरा देंगे, भाजपा को अलग कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो मीटिंग में जा रहे हैं। बाप रे बाप, लगता है बहुत लोग सुन रहा रास्ते लग। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी पहले भी दिल्ली जाते थे और सभी सांसदों से मिलते थे, लेकिन इस बार अस्वस्थ रहने के कारण वो दिल्ली नहीं गए थे, तो हमको लगता है कि संगठन के बारे में ही ज़्यादा बातचीत होगी। अब विशेष बातचीत क्या होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बात आ रही है जिस तरह से, फिर एक तरह से आप आरजेडी के साथ जाने के, आपका फट बिहार के नीतीश कुमार रहे और हम लोग के समर्थन से रहे। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 110%। कब का चांस है वो आपको समझ में आ जाएगा। बैठक के बाद उम्मीद रहे कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? जी जी। तेज प्रताप यादव मैम इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।